हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले यामाहा R5 V4 के बारे में, जो कि दोस्तों मैं आप लोगों को रेसिंग ब्लू कलर दिखाने वाला हूं। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि यामाहा की जो R5 है वो इंडियन मार्केट में एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर बाइक है। इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, चाहे वो बाइक की परफॉर्मेंस हो, बाइक का लुक हो, बाइक का डिज़ाइन हो, सभी चीज़ों में R5 एक बहुत बेहतरीन बाइक निकल के आती है। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की जो वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, और अगर आपको R5 पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ये वीडियो आप तक और भी वीडियो आप तक पहुँचते रह सकें। सो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं बाइक के प्राइस के बारे में कि R5 आपको क्या प्राइस देखने को मिलती है। अब ऑब्वियसली बात है यार, अगर हम कोई भी चीज़ खरीदने वाले हैं, खरीदने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले अपने बजट के बारे में सोचते हैं कि भाई हमारे पास पैसा कितना है, क्योंकि जितना हमारे पास पैसा होता है उसके हिसाब से हम किसी चीज़ को डिसाइड करते हैं। बात करें इसके प्राइस के बारे में, तो रेसिंग ब्लू कलर जो है दोस्तों टॉप मॉडल में आता है V4 में, जो कि एक्सरूम प्राइस अराउंड 1,85,900 रुपीज़, 1,85,900 रुपये के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को, सॉरी एक्सरूम प्राइस देखने को मिलती है। बात कर ले ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक स्टेट के RTO एंड इंश्योरेंस चार्जेस में फ़र्क होता है। ये बाइक हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ में अराउंड 2,25,000 रुपए के आसपास की जो है ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। बाकी आप लोगों के सिटी एंड स्टेट में इसका क्या ऑन रोड प्राइस, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों अब आ जाते हैं रिव्यू में, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के फ्रंट में आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, बाइक में आपको सबसे पहले LED जो DRL लाइट है वो आपको बाइक में देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, और इसकी जो DRL लाइट है बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है नाइट में। खासकर मेन लाइट में बाइक में आपको दोस्तों सिंगल LED प्रोजेक्टर लाइट आपको बाइक में मिलेगी। इसकी सिंगल LED प्रोजेक्टर लाइट को आप हल्के में मत लेना, सिंगल LED प्रोजेक्टर लाइट है, बट एक्चुअल में इसकी जो ब्राइटनेस है, यानी कि जो इल्यूमिनेशन है, वो आपको बहुत तगड़ी देखने को मिलती है, ठीक है। बहुत अच्छी लाइट यहाँ पर कंपनी ने इस बाइक में दी हुई है, ये चीज़ माननी पड़ेगी, बहुत अच्छी लाइट दी है, ठीक है, LED प्रोजेक्टर लाइट। बात कर लेते हैं दोस्तों इस बाइक के अब फ्रंट सस्पेंशन के बारे में। फ्रंट में दोस्तों बाइक में आपको बताना चाहूंगा UHD 37mm के गोल्डन कलर के UHD, यानी कि अपसाइड डाउन सस्पेंशन आपको बाइक में मिलेंगे। काफ़ी अच्छे जो सस्पेंशन है कंपनी की तरफ से दिए गए हैं। V4 में UHD आता है, V3 में टेलीस्कोपिक आता था, ठीक है, तो ये भी एक अपडेट आप जान लीजिए V4 का, ठीक है। बात कर ले फ्रंट टायर साइज के बारे में, तो फ्रंट में आपको बाइक में दोस्तों 100 की जो टायर साइज़ है वो आपको फ्रंट में देखने को मिलेगी। अब आते हैं ब्रेकिंग में। ब्रेकिंग में R5 में आप लोगों को बता दूँ, डुअल चैनल एंटी लॉक जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो आपको इस बाइक में देखने को मिलता है। यह दोस्तों ABS है, जो कि डुअल चैनल ABS आप लोगों को बाइक पे देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे भी बाइक जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। बात करें प्लेट साइज़ के बारे में, तो फ्रंट में आपको बाइक में 282 के आसपास की जो प्लेट साइज़ है वो यहाँ पर यूज़ की गई है इस बाइक में। चलिए अब आ जाते हैं दोस्तों इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन में। इंजन में दोस्तों R5 में 155cc का लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक SOSC 4-वॉल्व सिंगल सिलेंडर जो इंजन है वो आपको इस बाइक में देखने को मिलता है। बात करें पावर एंड टॉर्क के बारे में, R5 मैक्सिमम पावर में 18.4 की PS पावर जनरेट करती है, एंड 14.2 का जो न्यूटन मीटर टॉर्क है वो आपको R5 में देखने को मिलता है। अब दोस्तों आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बाइक में इतनी पावर इतनी कम है, लेकिन फिर भी इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी कैसे निकल के आती है, उसका सबसे बड़ा जो कारण ये है वो है दोस्तों इसकी VVA टेक्नोलॉजी। बाइक में आपको वेरिएबल वॉल्व इक्वेशन टेक्नोलॉजी मिलती है, इस टेक्नोलॉजी की वजह से दोस्तों बाइक की जो परफॉर्मेंस है उसमें 4 चांद लग जाते हैं, टॉप एंड परफॉर्मेंस बहुत अच्छी निकल के आती है। कूलिंग सिस्टम में लिक्विड कूल इंजन है, फ्यूल सिस्टम में बाइक में FI आता है, 1 नंबर ऑफ सिलेंडर के साथ में बाइक को डिजाइन किया गया है। इस वाले मॉडल में आपको स्लीपर क्लच भी मिलता है, स्लीपर क्लच सब में मिलता है, लेकिन इसमें आपको किक शिफ्टर भी मिलता है रेसिंग ब्लू में, ठीक है, 6 गियर के साथ में दोस्तों ये बाइक आती है। बात कर लेते हैं इस बाइक के माइलेज एंड परफॉर्मेंस के बारे में। माइलेज में ये बाइक आपको अराउंड 40 के आसपास का माइलेज इजिली निकालेगी। 0-100 में इस बाइक को लगभग 10 सेकंड के आसपास के लगते हैं, टॉप स्पीड अराउंड 145-150 किलोमीटर पर आवर के आसपास की टॉप स्पीड आपको इस बाइक में मिल जाती है। अब दोस्तों आते हैं रियर की तरफ। रियर में आप देख पा रहे हैं दोस्तों बाइक में आपको ये इसका एग्जॉस्ट है, ठीक है। रियर में आपको बाइक में जो है मोनोसॉक सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। रियर में बाइक में आपको 140-70 के टायर साइज मिलते हैं। रियर में आपको बाइक में 230
30mm की जो डिस्प्ले है वो आपको बाइक में मिल जाती है। रियर की जो टेल लाइट है वो भी आपको इसमें एलईडी देखने को मिलेगी। बात करते हैं अब दोस्तों इस बाइक के स्पीडोमीटर के बारे में। जी हाँ, सबसे पहले आप की देख लीजिए, इस टाइप का की है स्पीडोमीटर में। दोस्तों बाइक में आपको फुली जो डिजिटल मीटर है वो आपको इस बाइक में देखने को मिलता है, जिसमें आपको काफ़ी सारे जो फीचर है वो देखने को मिलते हैं, लाइक स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, क्लॉक, ABS लाइट, फ्यूल गेज, सर्विस रिमाइंडर, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी इंडिकेटर, मोबाइल कनेक्टिविटी, ये सारे फीचर आपको R15 वर्जन 4 में देखने को मिलते हैं। मतलब देखा जाए तो फीचर्स के मामले में भी जो है बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी निकल के आती है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब इस बाइक की डिमेंशन एंड कैपेसिटी के बारे में। ठीक है, बात कर ले इस बाइक की ओवरऑल हाइट के बारे में। दो बाइक की जो ओवरऑल हाइट है वो 1990mm की, ओवरऑल विड्थ है 725mm की, वो और सॉरी ओवरऑल हाइट है वो 1135mm की। ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस है 170mm की, सीट हाइट इसकी 815mm, मतलब आपकी हाइट अराउंड अगर 5.4 से ऊपर है तो आप इसे कंफर्टेबल राइड कर सकते हो। सो ये तो दोस्तों ब्रांड न्यू यामा R15 V4 का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रिव्यू। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।